तेरी मिट्टी जज्बात से जुड़ी है और मेरी अकल पानी से। तू जान दे सकता है, मैं जान ले सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। एक बार फिर से दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सभी के सामने इंडियन फिल्मों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस लेकर, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं हिंदी फिल्मों में छपाक, तानाजी द अनसंग वॉरियर, गुड न्यूज और दबंग 3 का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। साथ ही साथ जानने वाले हैं साउथ फिल्मों में सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म दरबार, अलावे कुंठ पुरा मुल्लो और शरीलरु निक्केवरु का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन सभी फिल्मों में आज किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मारी है बाजी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म दरबार के 7 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक एक्शन कॉप ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के लीड में आपको इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत सर के अलावा ब्यूटीफुल नयनतारा और सुनील शेट्टी सर नजर आए हैं। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है AR मुर्गादोस ने। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों लगभग 5,300 स्क्रीन पर लगने के बाद सुपरस्टार रजनीकांत सर की इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 30,80,00,000 रुपए की ब्लॉकबस्टर कमाई की थी, जो कि दोस्तों एक तरह से तमिल इंडस्ट्री की बेस्ट ओपनर है। वही बात करें अगर दोस्तों इस फिल्म के हम लोग सेकेंड डे के कलेक्शंस की, तो ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफी शानदार रिव्यूज के बाद इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 19,10,00,000 रुपए कमाए, तीसरे दिन कमाए दोस्तों 18,00,00,000 रुपए, वही अपने चौथे दिन भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 18,00,00,000 रुपए की कमाई की। इस तरह से यह फिल्म अपने शुरुआती वीकेंड में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 90,00,00,000 से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। बताने चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया है, वहीं क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग्स दी। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के जो 5वें दिन के कलेक्शंस थे वो रहे 9,30,00,000 रुपए के, और अपने 6ठे दिन इस फिल्म ने लगभग 10,00,00,000 रुपए कमाए हैं। आज दोस्तों इस फिल्म का 7वां दिन है और आज भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 7 करोड़ की कमाई कर रही है। दोस्तों यह फिल्म अपने शुरुआती 6 ही दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी और अपने 7वें दिन के कलेक्शंस मिलाकर यह फिल्म अभी तक कमा चुकी है 112,20,00,000 रुपए। ओवरसीज मार्केट में दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 7 दिनों में लगभग 51 करोड़ रुपए कमाए हैं और दोस्तों इस फिल्म ने चेन्नई मार्केट में 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। अभी तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का हो चुका है 182 करोड़ रुपए का। और इसी के साथ दोस्तों रजनीकांत सर की एक और फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अब यहां पर बात की जाए दोस्तों तेलुगु फिल्म शरीलरु निक्केवरु के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार महेश बाबू नजर आए थे। वहीं उनका साथ दिया था रश्मिका मंदाना और प्रकाश राज ने। दोस्तों बता दें आपको कि अनिल रविपुड़ी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2600 स्क्रीन्स मिली थी, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने भी अपने पहले दिन 45,70,00,000 रुपए की धमाकेदार कमाई की, जो कि तेलुगु स्टेट की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर है। सेकंड डे में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस थोड़े कम हो चुके थे, क्योंकि सेकंड डे से दोस्तों यहां पर अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठ पुरा मुल्लो रिलीज हुई थी। इसी वजह से इस फिल्म ने अपने सेकंड डे में कमाए 13,70,00,000 रुपए, तीसरे दिन दोस्तों इस फिल्म ने काफी अच्छा होल्ड किया और कमाए 10,70,00,000 रुपए, वहीं अपने चौथे दिन इस फिल्म ने कमाए 12,60,00,000 रुपए। दोस्तों आज संक्रांति है और आज दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई और यह फिल्म आज भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 14 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा 96,60,00,000 रुपए का। दोस्तों यह फिल्म कल के दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शंस की, तो दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों में लगभग 21 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस तरह से इस फिल्म का टोटल 5 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 132 करोड़ रुपए का। इसी के साथ दोस्तों सुपरस्टार महेश बाबू की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस सहित वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। अब यहां पर बात की जाए दोस्तों सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठ पुरा मुल्लो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसका इंतजार दोस्तों साउथ के साथ साथ हिंदी ऑडियंस भी काफी बेसब्री से कर रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस हफ्ते रिलीज होने वाली अल्लू अर्जुन की 19वीं फिल्म अला वैकुंठ पुरा मुल्लो को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1900 स्क्रीन्स ही मिल पाई थी, और 1900 स्क्रीन्स पर लगने के बाद भी दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन 37 करोड़ रुपए की ब्लॉकबस्टर कमाई की, जो कि दोस्तों एक तरह से रिकॉर्ड है इतने
कम स्क्रीन पर लगने के बाद। वही दोस्तों दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में काफी शानदार होल्ड देखने को मिला और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन महेश बाबू की फिल्म सरीलरू निक्के वरू से भी काफी अच्छी कमाई की और कमाई 14 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों अपने तीसरे दिन भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार ग्रोथ दिखाई और कमाई 15 करोड़ 80 लाख रुपए। आज दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन को चौथा दिन है और बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अपने चौथे दिन भी काफी शानदार ग्रो कर रही है और मकर संक्रांति होने की वजह से इस फिल्म के जो चौथे दिन के कलेक्शन है वो लगभग 17 करोड़ रुपए के रहने वाले है। इसी के साथ इस फिल्म का भी टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 84 करोड़ रुपए का, जो कि दोस्तों महेश बाबू की फिल्म सरीलरू निक्के वरू के 4 दिनों के कलेक्शन से ज्यादा है। अब यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड की, तो दोस्तों ओवरसीज में भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की है और 4 दिनों का इस फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन हो चुका है 23 करोड़ रुपए। वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 120 करोड़ रुपए की कमाई करके एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है और तेलुगु स्टेट की एक विनर फिल्म बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर अब हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक रिलीज हुई है जो की सर्वाइवर ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड की ब्यूटीफुल लेडी दीपिका पादुकोण और टैलेंटेड विक्रांत मेसी लीड रोल में नजर आए हैं। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को लगभग 1700 स्क्रीन्स मिली है और इस फिल्म का क्लेश हुआ है सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म तानाजी के साथ। इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म के जो पहले दिन के कलेक्शन थे उसमें तो काफी कमी देखी गई और इस फिल्म ने कमाई मात्र 4 करोड़ 77 लाख रुपए, लेकिन दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म ने थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई और कमाई 6 करोड़ 90 लाख रुपए और अपने तीसरे दिन कमाए 7 करोड़ 35 लाख रुपए। बताते चले दोस्तों आपको कि यह फिल्म 2005 में हुए लक्ष्मी अग्रवाल पर हुए एसिड अटैक पर बनाई गई फिल्म है और इसी वजह से दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए इंडियन ऑडियंस तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन दीपिका पादुकोण जब से JNU में गई है तब से दोस्तों उनकी इस फिल्म का काफी ज्यादा विरोध हुआ और यही वजह है दोस्तों की यह फिल्म अपने विगडेस में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास होल्ड नहीं कर पाई और इस फिल्म ने अपने चौथे दिन कमाए 2 करोड़ 35 लाख रुपए, पांचवे दिन कमाए 2 करोड़ 55 लाख रुपए। वही दोस्तों आज ये फिल्म अपने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमा रही है 2 करोड़ 50 लाख रुपए। इस तरह से इस फिल्म का जो 6 दिनों का टोटल कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रहेगा लगभग 26 करोड़ 42 लाख रुपए का। वही दोस्तों ओवरसीज से ये फिल्म लगभग 10 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इस तरह से दोस्तों लगभग 30 करोड़ के बजट से बनने वाली दीपिका पादुकोण की ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी है लगभग 40 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को इंडिया में हिट होने के लिए लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी, जो कि अब इस फिल्म के लिए काफी मुश्किल लग रहा है। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब यहाँ पर बात कर लिया सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3 के लाइफटाइम कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 20 दिसंबर के दिन रिलीज किया गया था। दोस्तों बता दें आपको कि ये इस फिल्म का आखिरी हफ्ता चल रहा है, अगले हफ्ते से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर से उतर चुकी होगी और इस फिल्म का जो लाइफटाइम है वो भी काफी अच्छा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि 20 दिसंबर को लगने वाली इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के अलावा कन्नड़ इंडस्ट्री के सुपरस्टार किच्चा सुदीप भी नजर आए थे। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 24 करोड़ 50 लाख रुपए की धमाकेदार कमाई की, जो कि दोस्तों एक तरह से नॉन हॉलीडे का काफी बड़ा कलेक्शन है। वहीं इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीकेंड में 81 करोड़ 15 लाख रुपए कमा लिए थे। लेकिन दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिले हुए मिक्स रिव्यूज और क्रिटिक्स की तरफ से मिली हुई मिक्स रेटिंग्स के बाद इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में मात्र 126 करोड़ 55 लाख रुपए कमाए। वहीं दोस्तों अपने सेकंड वीक में अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज के रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने कमाए मात्र 20 करोड़ 75 लाख रुपए। थर्ड वीक में दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो रहे मात्र 4 करोड़ 15 लाख रुपए के। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने अपने फोर्थ वीक में टोटल लगभग 2 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। इस तरह से इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 153 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म का जो अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है वो आया है लगभग 42 करोड़ रुपए का और इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है लगभग 226 करोड़ रुपए। इस तरह से दोस्तों लगभग 120 करोड़ के बजट से बनी सुपरस्टार सलमान खान की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म बन चुकी है। बात की जाए यहाँ पर अब सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 27 दिसंबर के दिन रिलीज किया गया था। दोस्तों बता दें आपको कि यह कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसका के डायरेक्शन किया था राज मेहता ने। वहीं इस फिल्म के लीड में आपको सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी नजर आई थी। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 3100 स्क्रीन पर लगने के बाद इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग
17,56,00,000 रुपए की धमाकेदार कमाई की, जो कि दोस्तों एक तरह से नॉन हॉलीडे का बेस्ट कलेक्शन है। फर्स्ट वीकेंड में दोस्तों इस फिल्म ने लगभग 66 करोड़ रुपए कमाए, वहीं अपने फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने काफी शानदार होल्ड किया और कमाए 127,90,00,000 रुपए। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले, यही वजह रही कि इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में भी काफी शानदार कमाई की और कमाए 53,60,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों यह इस फिल्म का तीसरा हफ्ता चल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की फिल्म तानाजी और छपाक के रिलीज होने के बाद भी यह फिल्म काफी शानदार कमाई कर रही है और अपने थर्ड वीकेंड में इस फिल्म ने कमाए हैं लगभग 9 करोड़ रुपए। दोस्तों इस फिल्म ने अपने थर्ड वीकडेज में भी काफी अच्छी कमाई कर रही है और इस फिल्म ने अपने 18वें दिन कमाए 1,35,00,000 रुपए, 19वें दिन कमाए है लगभग 2,10,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों आज भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ की कमाई कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 195,60,00,000 रुपए का। वहीं बात करें इस फिल्म के हम लोग वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों यह फिल्म अक्षय कुमार सर के केरियर की ओवरसीज में हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है और इस फिल्म ने ओवरसीज से कमाए हैं लगभग 72 करोड़ रुपए। इस तरह से इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी लगभग 310 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस तरह से यह फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। अब यहाँ पर बात कर ली जाए इस हफ्ते रिलीज हुई सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसके लीड में दोस्तों आपको बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन, सैफ अली खान, काजोल और शरद शेलकर नजर आए थे। दोस्तों बता दें आपको कि यह फिल्म भारत के वीर मराठाओं की शौर्य गाथा को बताती हुई कहानी है, जिसमें अजय देवगन सर ने भारत के वीर मराठा तानाजी मालुसरे की भूमिका निभाई है। वहीं उनका साथ दिया है सैफ अली खान ने, जो कि इस फिल्म में विलन उदयभान सिंह राठौर की भूमिका में है। अब अगर बात कर लिया इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को इस हफ्ते लगभग 3,880 स्क्रीन्स पर ऑल ओवर इंडिया में हिंदी और मराठी भाषा में रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 15,10,00,000 रुपए की शानदार कमाई की, जो कि दोस्तों सुपरस्टार अजय देवगन सर के लिए नॉन हॉलीडे में की गई अब तक की सबसे बेस्ट कमाई है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के सेकंड डे और थर्ड डे के कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से तो काफी अच्छे रिव्यूज मिले और यह फिल्म 2020 की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म बताई गई है। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म का कंपैरिजन बाहुबली जैसी फिल्म से हो रहा है, यही वजह है कि इस फिल्म ने अपने सेकंड डे में लगभग 20,57,00,000 रुपए कमाए और अपने तीसरे दिन कमाए लगभग 26,08,00,000 रुपए। 3 दिनों में तो दोस्तों यह फिल्म लगभग 62 करोड़ रुपए कमा चुकी थी, लेकिन दोस्तों किसी ने विश्वास नहीं किया था कि यह फिल्म अपने चौथे दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार होल्ड करेगी और कमाए 13,75,00,000 रुपए। 5वें दिन भी दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिली और इस फिल्म ने कमा लिए 15,28,00,000 रुपए। वही दोस्तों यह फिल्म आज अपने 6वें दिन एक बार फिर से काफी शानदार ग्रोथ दिखा रही है और आज के इस फिल्म के जो कलेक्शंस है वो भी लगभग 17 करोड़ रुपए के आ रहे हैं। इस तरह से इस फिल्म का टोटल कलेक्शन सिर्फ अपने 6 ही दिनों का हो चुका होगा लगभग 108 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ओवरसीज में इस फिल्म ने लगभग 18 करोड़ रुपए कमाए हैं, वहीं ऑल इंडिया ग्रॉस पर यह फिल्म 130 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इस तरह से इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है लगभग 148 करोड़ रुपए का। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म का बजट है 150 करोड़ रुपए और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए चाहिए 160 से 170 करोड़ रुपए, जो कि दोस्तों यह फिल्म अपना सेकंड वीक खत्म होते होते कमा चुकी होगी और बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी बन चुकी होगी। दोस्तों बता दें आपको कि इन सभी फिल्मों में आज के दिन बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म तानाजी, अल्लू अर्जुन की फिल्म अलावैकुंठ पुरामुल्लो और महेश बाबू की फिल्म सरीलरु निक्केवरु 10 करोड़ के ऊपर की कमाई कर रही है। वहीं दरबार और अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज भी बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार होल्ड किए हुए है। आपको इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर रियल अपडेट के लिए आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।